हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को आईटीसी स्टॉक में रिटर्न के नाम पर सिर्फ मेम्स ही मिले हैं। एक तरीके से मेम स्टॉक ही बनकर रह गया है। लोगों को या इन्वेस्टर्स को शायद दुख इसीलिए भी है क्योंकि एक कैश जनरेटिंग, डिविडेंड पेइंग, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, लेकिन 5 साल से नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। तो क्या ये चीजें चेंज होगी? तो इसका हमको वेट करना पड़ेगा जून 1 को। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर है आईटीसी के, तो बिल्कुल जून 1 को आप नोट करके रखिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट और फाइनेंशियल रिजल्ट आईटीसी के आने वाले हैं। फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है दोस्तों, तो इसको हमको भूलना नहीं है। बोर्ड मीटिंग होने वाली है, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। तो डिविडेंड के अनाउंसमेंट से पहले हम यहाँ पर ट्रेंड्स जान लेते हैं, पिछले कुछ सालों में क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले तो फेब्रुवरी की एक्स डिविडेंड डेट थी, तो 5 रुपए का डिविडेंड तो इस साल का मिल चुका है। इंटरिम डिविडेंड सालों बाद आईटीसी ने इस साल दिया हुआ है, मतलब जो साल खत्म हुआ है, ठीक है? नहीं तो एक साल में एक बार ही डिविडेंड मिलता था। जैसे पिछले साल 10 रुपया 15 पैसे का, फिर 2019 में 5 रुपए 75 पैसे, फिर 5 रुपया 15, फिर 4 रुपीज 75। तो डिविडेंड तो इनके बढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहां पर एक बिल्कुल खास चीज होती है, ये मार्च 2020 में होती है। उस समय में क्या होता है, आईटीसी अपनी डिविडेंड पॉलिसी चेंज करती है और कहती है कि जो भी हमारा 80 से 90% जो भी पैट रहेगा, प्रॉफिट्स रहेगा, हम वो डिविडेंड में दे देंगे। तो इसीलिए हमको देखने को मिला पिछले साल 10 रुपया से ज्यादा का डिविडेंड था, जो कि अभी के स्टॉक प्राइस के हिसाब से 5% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। तो ऑलरेडी 5 रुपए का डिविडेंड यहां पर मिल चुका है, तो हमको उस दिन पता चलेगा कि एक और ज्यादा कितना डिविडेंड आ रहा है, ये डिविडेंड बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहां पर इन्वेस्टर्स अपनी नजर रख सकते हैं। इसके अलावा हमको रिजल्ट को भी देखना है, क्योंकि देखिए, स्टॉक का प्राइस हम तो नहीं चाहते कि ये मेम स्टॉक बना रहे, तो यहां पर हम ग्रोथ भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वार्टर 1 में नेगेटिव रेवेन्यू था, जो कि क्वार्टर 3 में पॉजिटिव हो गया। क्वार्टर 1 में नेगेटिव था, पूरी दुनिया का नेगेटिव था दोस्तों, तो वो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अप्रैल में जून कुछ नहीं चला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर 1 में नेगेटिव था, जो कि क्वार्टर 3 आते आते थोड़ा बहुत माइनस में ही है। क्वार्टर 4 में क्या होता है हमको पता चलेगा। तो एक सीक्वेंशियल ग्रोथ यहाँ पर रेवेन्यू में और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन के प्रोडक्ट्स आजकल सेवलॉन बहुत दिख रहे हैं, नूडल्स है, स्पाइसेस है, डेयरी, अगरबत्ती, मैचस्टिक, ये सबके बिजनेस में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। सेवलॉन जिसकी हम बात कर रहे थे, 1000 करोड़ की कस्टमर की, कंज्यूमर की स्पेंड हो चुकी है। हेल्थ हाई जो है, हाइजीन के प्रोडक्ट्स है, वहां पर अच्छा खासा ग्रोथ मिला है। मार्जिन भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। होटल्स का जो बिजनेस है, ये सब भी अभी एबिट्टा पॉजिटिव हुआ है। बाकी तंबाकू का तो कैश जनरेटिंग बिजनेस है ही दोस्तों। हाँ, बिजनेस किसमें, जो इनकी स्टेशनरी बनती है, चूंकि स्कूल कॉलेज बंद है, तो फिर वहां पर बिजनेस में फर्क पड़ा है दोस्तों। तो ये सब चीज आपको देखनी है क्वार्टर 4 में, सिर्फ डिविडेंड नहीं देखना है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं जो सेगमेंट रेवेन्यू है, जो FMCG का जो हम बात कर रहे हैं, तो 11% क्वार्टर 3 में, और पूरे साल की अगर हम बात करें तो 16% यहाँ पर बढ़ा है। जैसे आशीर्वाद हो गया, सेवलॉन, निमाइल, सनफीस्ट, तो यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और ये सब स्टेपल्स है, मतलब एक तरीके से जरूरी चीज, जैसे आटा जो है, बिस्किट जो है, इन सबको एक तरीके से स्टेपल चीजें कही जाती है। इनका रोजमर्रा की जो लाइफ है हमारा, इसका यहाँ पर यूज होता रहता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 23% का ग्रोथ भी हुआ है। डिस्क्रिशनरी चीजें आप खरीद भी सकते हैं, नहीं खरीद सकते, जैसे आप बिंगो रोज आप नहीं खाएंगे, आटा रोज खाएंगे, वैसा तो बिंगो आपने थोड़ा 10 दिन बाद, महीने बाद खाएंगे। या फिर यहाँ पर इंगेज है, आप रोज तो नहीं लगाएंगे, या फिर कभी बाहर जाएंगे तभी लगाएंगे, तो उसका ग्रोथ यहाँ पर नहीं रहा है। तो ये है डिस्क्रिशनरी का, तो ये हमको देखना पड़ेगा। इसके ट्रेंड क्या रहे हैं जब क्वार्टर 4 का, जब 1 जून को रिजल्ट आएगा। इसके अलावा एबिटा मार्जिन जो है 150 BPS यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। सेगमेंट की अगर हम बात करें FMCG में, तो ये 28% इंक्रीज हुआ है, जो हमको देखने को मिल रहा है। डिजिटल में बहुत ज्यादा इनोवेशन में बहुत ज्यादा फोकस रहा है। ब्रांड पोर्टफोलियो अब थोड़े से स्टेबल हो रहे हैं, मेच्योर्ड हो रहे हैं, तो ये सब चीजें कुछ इनके पॉजिटिव में जाती है। अब हम बात करते हैं अलग अलग सेगमेंट में किस हिसाब से बिजनेस हुआ है। तो सबसे पहले देखिए FMCG सिगरेट्स, यहाँ सिगरेट तो मेन है कि वहां से तंबाकू से कैश फ्लो आता है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। क्वार्टर 3 में देखिए -29 से 4, यही देखना है आपको दोस्तों। फिर होटल्स का बिजनेस अभी भी नेगेटिव है, और मुझे नहीं लगता कि ये पॉजिटिव होगा।
तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। बीच में वो खबर खबर उड़ती रहती है, बाकी कंफर्म नहीं है कि इसका इसमें कुछ आईटीसी कुछ कॉरपोरेट एक्शन लेगी, तो वो भी देखते हैं कि आईटीसी इस बार कुछ कॉरपोरेट एक्शन लेती है कि नहीं, तो वो भी हमको पता चलेगा। एग्री बिजनेस 4% से 18% है, एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है वो भी सिक्वेंशियल यहाँ पर, ये कहूँ तो मैं, यहाँ पर ग्रो हो रहा है। पेपर का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है वो हमको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है तो उतनी ज्यादा जो डिमांड है शायद उनकी नहीं रहेगी। अगली चीज जो देखने की है ये वाला बिजनेस, ये है कैश जनरेटिंग बिजनेस जो कि तंबाकू का जो बिजनेस है। नेट रेवेन्यू Q2 में 8% यहाँ पर इंक्रीज हुआ, ईयर ऑन ईयर 8% का यहाँ पर डिक्लाइन हुआ था। टोटल सेगमेंट का रेवेन्यू कहें तो 5,500 करोड़ का ये पूरे सेगमेंट का रेवेन्यू था, 3.5% ये बढ़ा था। सेगमेंट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये घटा हुआ है दोस्तों। तो ये चीज है, यहाँ पर टैक्स भी गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो यहाँ से भी इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट की भी यही कोशिश है कि हमको भी टैक्सेशन मिलते ही रहे, सेम प्रोडक्ट्स हैं इसीलिए। तो मोर और लेस प्री कोविड लेवल के आसपास यहाँ पर अभी तक भी नहीं आया है, तो Q4 में क्या रहेगा हमको पता चलेगा उस दिन कि क्या चल रहा है। इसके साथ साथ आईटीसी के ये सब प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने स्क्रीन पर है जो मेन बिजनेस ला रहे हैं, या भविष्य में इनमें से कोई लीडर बन जाए और एक बड़ा सा रेवेन्यू लाए। एफएमसीजी का बिजनेस जहां पर आईटीसी ने बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि तंबाकू के बिजनेस पर एक लेवल से ज्यादा वो आगे जा भी नहीं सकते हैं दोस्तों, तो वो चीज को समझना है। तो ये सब में से कौन सा बिजनेस आपको लगता है, आपका विचार क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा बिजनेस भविष्य में हो सकता है बिल्कुल घर घर में वो ब्रांड चले, आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपके सामने है। इसके अलावा बहुत सारे नए लॉन्चेस भी हुए हैं इस पेंडेमिक के समय में, जैसे इम्यूनिटी सूप है, सॉसी मसाला है, फिर ऑर्गेनिक आटा है, तो ये सब चीजें हैं। तो पेंडेमिक के समय इनोवेशन के हिसाब से इन्होंने इनोवेट भी किया है अपने अपने अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें। तो अगर हम कहें आईटीसी के बारे में, डिविडेंड पर नजर रहेगी, Q4 पर नजर रहेगी, और कॉरपोरेट एक्शन कुछ लेती है या नहीं, क्योंकि अलग अलग न्यूज चलती रहती है, कभी कहते हैं बोनस मिलेगा, कभी कभी भी कंपनी ने ये नहीं कहा है, मीडिया में आता रहता है कि बोनस आ सकता है, या फिर यहाँ पर स्प्लिट हो सकता है, या फिर कोई एक जो दूसरा जो बिजनेस है उसको अलग कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कुछ सोच रहे हैं या नहीं जो मैनेजमेंट है हमको उस दिन पता चलेगा, या फिर मैनेजमेंट कॉन कॉल अगले दिन या जब भी होगा उस दिन हमको आइडिया आएगा। तो ये सब चीजों पर इन्वेस्टर जरूर नजर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ नया सीख के गए होंगे दोस्तों इस वीडियो से। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से आप ओपन फ्री में कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।